क्योंकि जब कंपोज करने बैठते हैं या लिखने बैठते हैं तो वो इंस्टेंट रहता है, जस्ट लाइक कोई बाकी उसकी जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद शॉर्ट एंड दिया है हु गाइडेड पेन नो का हु गाइडेड दिस सॉन्ग टू अ न्यू लेवल व्हाट शुड आई से व्हाट डू यू वांट टू नो। आज अनवील कर रहे हैं आप, दिखाने जा रहे हैं मीडिया को, उसके बारे में जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा लद्दाख का आपका, कहां पे शूट किया आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक्सपीरियंस मैंने वही बोला जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ तक का, उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे इसको। डायरेक्टर साहब आए, किस तरह का मूड है एल्बम में, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतना उन लोगों को प्यार देने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है मीलू के पास से। इसका फील जो है एक सेपरेशन वाला है। लाइफ में हर किसी की लाइफ में एक स्टेज आती है जब सेपरेशन आता है और उसकी काफ़ी सारी खूबसूरत यादें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो ये खूबसूरत यादों की कहानी है जो हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत लोकेशन चूज करी इसके लिए। लेह लद्दाख में हम लोगों ने इसको शूट किया है, पांगोंग लेक शूट किया है हम लोगों ने, नुब्रा वैली हम लोगों ने एक्सप्लोर किया इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए इस पूरी जर्नी में। ऑडियो की हम लोग बात करें तो गाना जो हम लोग मैंने पहली बार सुना सोमनाथ से, तो पहली बार में ये डर था कि हम लोगों को बहुत अच्छे स्केल पे करना है। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन थी, ये सबसे बेस्ट गाना हो सकता है। तो हम लोगों ने फिर इसकी जर्नी स्टार्ट करी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किया है, लाइक ड्रमर जो है वो इटली से हैं, इसके बेसिस जो है कैनेडियन से कनाडा से हैं। तो इसके बाद में हम लोगों की वीडियो की जर्नी स्टार्ट हुई। वीडियो में हम लोगों को लोकेशन देखनी थी, तो सबसे खूबसूरत लोकेशन कहाँ हो सकती है, तो वो लद्दाख ही थी। अब वहाँ लद्दाख जब हम लोग घूमने जाते हैं तो एक अलग बात होती है, जब आप ब्यूटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, पर जब काम करने जाना होता है तो एक अलग ही कहानी होती है। वहाँ एक्सट्रीम होता है, ऑक्सीजन यहाँ जैसी नहीं होती है, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, तो साधा पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ सामान लेकर जाना, कैमरे ढोना, बाकी सब चीज़ें करना, भाग दौड़ करना, और शूट की जैसे खासियत होती है कि आपको कॉस्ट्यूम्स जो चाहिए वही पहनना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप गर्म कपड़े पहन के करें, तो बहुत पतले कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मगर उसके अंदर भी ये एग्जीक्यूट करना है आपको, फेस पे दिखना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे पर बहुत मज़ा भी आया। और स्पेशल थैंक्स इंडियन आर्मी का, हम लोग एक बार बर्फ के ग्लेशियर में फंस गए थे, ग्लेशियर का जो नीचे दलदल होती है उसके अंदर हमारी गाड़ी आधी धंस चुकी थी, और इट वॉज अबाउट कि अगर 5-7 घंटे में कोई नहीं रेस्क्यू करता तो पूरी गाड़ी अंदर चली जाती। तो इंडियन आर्मी ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा इसके अंदर। ये जब आप सॉन्ग की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं, तो पहले से डिसाइडेड था कि देयर बी अ वीडियो ऑफ द सॉन्ग, और इट जस्ट हैपेंड कि गाना हो गया, वीडियो बनना जरूरी है। नहीं, वीडियो तो करना ही था इसका, हम लोगों ने ये पहले ही डिसाइड किया था। क्या आपको दिखाने जा रहे हैं आप मीडिया को? हाँ जी, आज कुछ हम लोग देखते हैं। कैन वी हैव और क्या क्या देना और जो करेंट आउट जो कैरियर और ये क्या करने में ये और जो स्विच हुआ है जी जी शूट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वी ऑल आर अ फैमिली एंड हम एंजॉय करते हैं अपना काम। हम बहुत आप सब भी अच्छी बात है कि वो अच्छा कर रहे हैं, और हमारा भी यही एम है कि हम भी अच्छा करें। अभी आने वाले हैं कुछ गाने, हम लोग ने अभी 4 गाने एक साथ दिए थे, उसका ये पहला सिंगल है, और भी बाकी अभी 3 आएंगे, और बाकी हम काम कर ही रहे हैं बाकी गाने। वो भी मैं काम से गई थी, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ट्रिप भी बहुत अच्छा था, और हमने काम भी बहुत किया है, बहुत मेहनत भी की है। हमें उम्मीद है कि ये ऑडियंस को पसंद आएगा, क्योंकि मेहनत तो हमने बहुत की है जी।
जी मैंने एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया है. ऑल्सो आई वर्कड एज अ न्यूज़ एंकर इन अ लोकल न्यूज़ चैनल ऑफ इंदौर. तो दो मैंने सिर्फ दो महीने के लिए काम किया था बट जस्ट दैट. ये 12 लाचला पास है तो हम लोगों को पता नहीं था कि सड़क से थोड़ा नीचे जाने पे दलदल होगा. हम लोगों ने पहले चल के देखा और नीचे जाते ही गाड़ी फंस गई और फंसने लगी. तो इट वाज लाइक -5 डिग्री उस टाइम था. दिन भर तो हम लोगों ने निकालने की खूब कोशिश करी. अंधेरा हो गया, कुछ नहीं हो सकता था और वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी. इट वाज लाइक 5 किलोमीटर हम लोगों को जाना था. तो कुछ माउंटेनियर्स थे, उन लोगों ने हेल्प करी हम लोगों को वहाँ पहुँचाने में, सामान वगैरह सारा गाड़ी से निकाल कर ले जाने में. और फिर नेक्स्ट डे सुबह वापस, रात भर भी हम लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं. सब लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ से तो गाड़ी अब निकलना इम्पॉसिबल है. फिर हम लोगों ने इंडियन आर्मी को एक्सेस किया. वो लोग आए अपनी गाड़ियाँ लेकर और वाहेगुरु जी ने किसी और को भी भेजा. तो ऐसे करके वो गाड़ी बाहर निकली और हम लोग आगे का शूट कर पाए. अब चूँकि ये इंडी बजट रहता है हम लोगों का तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर उस शेड्यूल में आपके 2 दिन ख़राब हो जाते हैं तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है. बट स्टिल सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मेहनत करी. हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम वर्क किया इसके लिए और अब रिजल्ट आप देखिए और बताइए कैसा. मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, कुछ कमर्शियल्स किए हैं. इससे पहले जो हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियो किया था वो MTV इंडीज़ पे चला हम लोगों का. ये मेरा सेकेंड म्यूज़िक वीडियो है. थैंक्स टू जी म्यूज़िक, क्योंकि हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मिले और जी म्यूज़िक से हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. गाना रिलीज़ हुआ, हम लोग क्या बोले, हम लोगों ने तो मेहनत करके बनाया, हमको तो अच्छा लगता है. ऑडियंस बताएंगे, आप बताएंगे गाना कैसा लग रहा है. गाना एक नंबर, इतना चुनौती भरा रहा है गाने को शूट करते थे. एक्चुअली शूट करने में मेन दिक्कत हम लोगों को क्या थी, तो लद्दाख का जो वेदर था, हम लोग कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो लेके गए थे ठंड में, वहाँ पर ठंड इतनी, बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही थी वहाँ पर. हम लोग बैटरी चार्ज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था. हम लोग एक शॉट लेते, कुछ थोड़े शॉट लेते उसके बाद बैटरी खत्म हो जाती है. ठंड में ड्रेन जल्दी होती है और प्लस उधर ठंड इतनी थी, जो हम लोग लोहे की चीज़ को हाथ लगाए तो चिपक जाता था, उंगली चिपक जाती थी उससे. तो जैसे ट्राईपॉड वगैरह, रॉन एंड गिम्बल वगैरह जो रहते थे, तो उसकी वजह से कुछ जो हमारे ट्राईपॉड थे, जैसे ये ट्राईपॉड है, ये पूरा की पूरा चिपक, खुल ही नहीं रहा था, पूरा कर कर आवाज़ कर रहा था. तो ये इस तरह बहुत सारी दिक्कतें आई. वहाँ का मौसम हमेशा चेंज होता रहता है. वहाँ पे एक तो ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे. शूट कर रहे थे आप, ऊपर तो दिखाई होंगे आप, शूट कब कर रहे हैं, अचानक चेंज हो जाता है. हाँ, जैसा कि हम लोग उस मूवमेंट के बारे में, एक तो क्या है वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, प्लस वहाँ पे जो सनलाइट, वहाँ पे सूरज करीब है तो जो सनलाइट जो रहती है आँखों में चुभती है. और वहाँ पे हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे अचानक से स्नोफॉल हुआ था. स्नोफॉल हो गया, उसके बाद जब हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो स्नोफॉल ताज़ा ताज़ा हुआ था. एकदम तेज धूप पड़ रही थी, आँखें भी नहीं खुलते बनी थी वहाँ पे, इतनी बर्फ़ थी स्नो की वजह से. तो आँखें चुभ रही थी, तो कैमरे के अंदर पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था उसका. वो बहुत बड़ी दिक्कत थी एक तो, जब स्नोफॉल आपको मिला था.